बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है ना। ठीक सर, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, शांत समझना। जैसे बाबू है ना, जैसे बाबू मान लो कि बाबू क्या लीची है, चलो बगल में लीची रखा है ना, ठीक है, तो इसको यहाँ से बाबू होल्ड करो और छोड़ दो तो नीचे आ रहा है ना। बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू ऊपर से छोड़ता है बाबू, है ना, तो क्या आता है, नीचे आता, ग्राउंड पे आता, कुछ भी चीज ले लो ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक, तो ये नीचे आ रहा है ना। तो जिस ये बाबू किस कान में उठा जी, सर जो अर्थ का सरफेस है उसको खींच रहा है नीचे सर, अर्थ का सेंटर। हाँ बाबू चलो ठीक है। देखो बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना बाबू, अगर उसको ऊपर से गिराते हो तो क्या होता है, नीचे आता। तो जिस फोर्स के तहत बाबू जो जो चीज उसको खींच रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर, है ना बाबू, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना। तो ये सबसे पहले किसने दिया था, वो न्यूटन ने बोला था, कोई भी न्यूटन ने बोला था, कौन बोला था, वो न्यूटन बोला था। तो इसके साथ साथ आप शांति समझना, इसके साथ साथ बाबू हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू, है ना, तो यहाँ पे बाबू आप समझना, यहाँ पे समझने वाला चीज है ना। जैसे मान लो बाबू क्या बाबू, जैसे मान लो बाबू मेरा मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना बाबू, दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मान लो यही दो को क्या ऑब्जेक्ट है ना, वो बहुत बहुत काम की चीज है बाबू, जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी हमेशा ये यूज होता है, ठीक। ये मान लो दो को ऑब्जेक्ट है, ठीक से, तो ये ऑब्जेक्ट एक हमेशा बाबू देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बाबू, हमेशा ऐसा नहीं समझेगा बाबू कि जो अर्थ अट्रैक्ट करा उसको भी मैंने वही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसी बात नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, बॉल हो गया ना बाबू, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करा, अट्रैक्ट कर रहा। तो यहाँ बाबू दो मासेस के बीच में बाबू, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा। तो सर जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बाबू, तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, मन में तो यही डाउट आता। जैसे बाबू मेरे आपको हमने क्या बताया, हमने आपको यही बताया बाबू, मान लो ये लीची है मेरे लाल, इतना हाइट पे रखो छोड़ो तो नीचे आ जाएगा। एप्पल वाला कहानी न्यूटन वाला सुने बाबू, एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है, तो सबसे पहला पता कौन लगा, ये न्यूटन लगाया था, न्यूटन लगाया था, है ना, ठीक ठीक बाबू, है ना। तो अर्थ बाबू क्या कर रहा है, इससे बाबू लीची को क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है ना, तो ये क्यों आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसके साथ साथ और कहा गया बाबू कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है बाबू, तो ये भी ये ऑब्जेक्ट इसको क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा, और ये भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा, अपनी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, शांति समझना, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हमको पता क्यों नहीं चल, ठीक है जय सदान। आप लोग एक घंटा में इतना गुस्सा बढ़ता है ना, ये घंटे में आधा घंटा भी क्लास हो, आधा घंटा में बाथरूम जाए, ये जाए वो जाए, तो सर हमको क्यों नहीं पता चल पाता सर, है ना, हमको क्यों नहीं पता चल पाता सर कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, शांति समझना। तो इसलिए पता नहीं चल पाता बाबू, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है ना बाबू, बहुत कम है, जीरो के बराबर है, यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं ना, है ना बाबू, देख नहीं पाते। तो ये दोनों स्मॉल अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ अर्थ मेरा क्या सर, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना बाबू, तो वहां पे जो अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमको फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है सर, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ो छोड़ दो नीचे आ रहा, तो वहां फील हो रहा है। लेकिन यहाँ भी दो वो बॉल के बीच में यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, है ना बाबू, इस बॉल को हटा दो, यहाँ वाला बॉल रखो, है ना, इसको रखो यहाँ पे, है ना, तो यहाँ भी बाबू दो वो बॉल के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है ना, लेकिन हमको फील नहीं हो पाता, हम नहीं देख पाते, इसलिए हम नहीं देख पाते बाबू कि ये दोनों बॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, बहुत छोटा है, जीरो के बराबर है, नेग्लिजिबल फोर्स है, इसीलिए नहीं फील हो पाता। इसी बॉल को बाबू साइज बढ़ाते 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 प्लानेट इतना साइज कर दो, मतलब बाबू कोई प्लानेट हमारे पास सोलर सिस्टम में प्लानेट है, मान लो अर्थ इतना, इसके साइज को बढ़ाते बढ़ाते अर्थ इतना कर दो, अब उसके बाद देखना वो डेफिनेटली आपको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू कहाँ लगेगा, दो गो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, दो गो ऑब्जेक्ट, दो गो बॉल, दो गो बॉडी, कुछ भी बोला है ना, सारे के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन ये दोनों बॉल बाबू अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, छोटा है, अर्थ मेरा कितना बड़ा है सर, बहुत बड़ा साइज है, ये दोनों क्या है, छोटा है, तो छोटा है, तो ये भी ये बॉल भी क्या कर रहा, ये भी इसको कह रहा मेरी ओर आ जाओ, ठीक, ये भी क्या कर रहा है ना, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इसको कि मेरी ओर आ जाओ, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, ये बोल क्या बोल रहा है बाबू, ये क्या बोल रहा है कि आप भी मेरी ओर अट्रैक्ट हो जाओ, है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बाबू इतना स्लोली अट्रैक्ट कर रहा है, इतना स्लोली, बहुत कम, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है ना बाबू, इसकी जो अट्रैक्ट करने की पावर है बहुत कम है, जिसके कारण आपको फील नहीं हो पाता, हम लोग देख नहीं पाते। इसी बॉल के साइज को बाबू बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ा कर दो, अर्थ इतना कर दो, तो वहां पे आपको फील होगा, है ना।
तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स। हेडिंग क्या पढ़ेंगे बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बाबू आपको दो डिफाइन दो 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 तरह से डिफाइन किया गया। एक वह फोर्स बाबू जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है ना, जैसे यहाँ पे मार्कर है, इसको छोड़ दो तो छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। छोड़ दोगे तो बाबू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है बाबू। और मान लो यही दो मार्कर यहाँ पे रख दो ऐसे करके, है ना। तो ये मार्कर ग्रीन वाला क्या करेगा, ब्लैक वाले को आ जाओ मेरी ओर, फिर ब्लैक वाला क्या करेगा, ग्रीन वाला आप आ जाओ मेरी ओर। तो ये दोनों मार्कर एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। तो इसको भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू हमेशा बाबू क्या लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा, हमेशा कैसे लगेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, शांति समझना। जैसे बाबू देखो क्या है, हम अभी हम लोग कहाँ खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है ना, ठीक बाबू, ठीक। या ये मार्कर यहाँ पे है, इसको पकड़ के छोड़ो, तो जैसे छोड़ो बाबू तो क्या होगा, ये धीरे 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 नीचे गिरेगा। ठीक, तो अर्थ क्या कर रहा, इसको क्या कर रहा, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को मार्कर को क्या कर रहा, अपनी ओर सेंटर की ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक, उसके साथ साथ बाबू ये मार्कर भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। बात समझो, दोनों बात में समान जमीन का फर्क है। जैसे ये लीची है शैतान, ये लीची है, तो अर्थ जो पृथ्वी है, मान लो बाबू मेरा क्या हो गया, यही इसी को मानो कि अर्थ है, ये बॉल मान, ये बॉल को मानो क्या अर्थ है, ये लीची को क्या मानो छोटा मान लो। तो ये बॉल क्या कर रहा है, ये बॉल क्या कर रहा है, बॉल क्या कर रहा है, इस लीची को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा, अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा, अपनी ओर खींच लिया, है ना बाबू, शांति समझ, है ना। खींच लिया वो कहाँ चला गया, नीचे चल गया, चलो दूसरा लीची लाते हैं, है ना। ठीक, वो साथ साथ बाबू ये लीची को अर्थ तो अपनी ओर खींच ही रहा, साथ साथ बाबू लीची भी अर्थ को क्या कर रहा है, इसको ऊपर की ओर खींच रहा। लेकिन अर्थ का साइज बड़ा होने के कारण, मास बड़ा होने के कारण बाबू अर्थ नहीं खींचा पाता है। जैसे बाबू आप एक हो, है ना, जैसे हम एक साल का बच्चा है, तो हम एक साल के बच्चे को अगर खींचेंगे बाबू तो खींचा जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चा भी खींचता बाबू, बच्चा भी आपको अगर मान लो एक रस्सी, एक साइड रस्सी आप पकड़ लो और एक साइड रस्सी आपकी मम्मी को दे दो, है ना, तो आपकी मम्मी आपको खींच लेगी अपने साइड में। तो वहां पे बाबू आप भी तो अपनी मम्मी की ओर, अपने मम्मी को खींच रहे थे ना अपनी ओर में, हाँ सर, लेकिन आपके पास शक्ति कम था सर, इसीलिए आप खींचा के चल गए। तो उसी प्रकार बाबू, ठीक उसी प्रकार बाबू ये जो लीची है, अर्थ लीची को क्या कर रहा है, खींच रहा, ठीक है ना बाबू। ठीक, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अर्थ भी क्या हो रहा है, खींचा रहा, अर्थ भी क्या हो रहा है बाबू, लीची की ओर क्या हो रहा है, खींचा रहा है, लीची की ओर क्या हो रहा है, खींचा रहा है। अर्थ मैंने लीची भी अर्थ को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा, अपनी ओर खींच रहा, है ना। लेकिन बाबू अर्थ के पास शक्ति ज्यादा है सर, इसीलिए लीची बेचारा नीचे जा रहा है ना, लीची क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, लीची के पास खींचने की शक्ति नहीं है सर, है ना, खींचने की शक्ति नहीं बाबू, इसलिए अर्थ क्या होता है, खिंचा नहीं पाता, है ना। दोनों दोनों ऑब्जेक्ट, अर्थ और लीची, दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, ठीक है ना। वही बाबू मम्मी, मम्मी और आपकी कहानी वाला बाबू, है ना, मम्मी और आपकी कहानी वाला, एक साइड आप रस्सी पकड़ लो, एक साइड मम्मी को दे दो पकड़ने के लिए, मम्मी को बोलो खींचने के लिए, है ना, एक साइड आप भी खींचो। तो जो छोटा बच्चा होगा स्वाति जैसा, वो बेचारे क्या होगी, खिंचा जाएगी, उसके पास शक्ति कम है ना, कम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यही जो बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना, और कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं, लीची उची का कहानी है ना। तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये कैसा फोर्स है सर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट कहने का मतलब क्या बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे ये लीची है, अब मेरा नीचे क्या अर्थ है, तो लीची और अर्थ के बीच में कुछ कॉन्टैक्ट है बाबू, है ना, अर्थ हम लोग अर्थ पे खड़ा है, हाँ सर, और लीची यहाँ पर, बीच में कोई कॉन्टैक्ट है नहीं ना बाबू, है ना, फिर भी क्या रहा, नीचे गिर रहा, फिर भी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा, नीचे गिर रहा है ना। तो ये क्या सर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट होता है। मैग्नेट एक दूसरे को बाबू ने, है ना, सेम पोलरिटी वाला कल दिखाए थे, एक पोल को दूसरे के नजदीक लाओ, देखो क्या होगा, अपोजिट पोलर क्या रहेगा, सेम पोलरिटी रहेगा, तो क्या होगा, दूसरे से भागेगा बिना कॉन्टैक्ट किए हुए। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है बाबू, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी बाबू क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक ठीक बाबू, तो यही हम लोग डिफाइन करेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करेंगे, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करेंगे, है ना। इसको डिफाइन करो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको डिफाइन कीजिए, वो जल्दी से लिखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं बाबू, ग्रेविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। आप लोग का हॉलीवुड का मूवी भी होगा ग्रेविटी करके कुछ, ठीक है, ठीक है, इसको डिफाइन करो, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करो। सचिन मूवी ग्रेविटी करके, न्यूटन का लॉ है ना। हाँ बाबू, हाँ बाबू, द फोर्स बाबू, इसका दो डिफिनेशन है, द फोर्स बाबू, द फोर्स बाबू विथ विच बाबू टू ऑब्जेक्ट
टू ऑब्जेक्ट बाबू, लिखे 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 बाबू, लिखते चलिए। टू ऑब्जेक्ट बाबू, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा साइड, अच्छा ठीक है, इज कॉल्ड बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आईसी को क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। सर फॉर एग्जांपल ट्री और एप्पल। अरे हाँ मेरे लाल आ रहा है। जैसे मान लो दो को बॉल ले लो, ठीक सर, ये भी है वो बॉल। सर सिर्फ बॉल ही एक दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? अरे नहीं मेरे लाल, हम भी खड़ा हो जाए एक साइड, आप भी खड़ा हो जाए, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मास कम होता है, इसीलिए पता नहीं चल पाता। अर्थ के रिस्पेक्ट में वो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा ना सर? हाँ सारा ऑब्जेक्ट बाबू, सारा ऑब्जेक्ट, मेरा मोबाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट आमने सामने खड़ा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। हाँ मेरे लाल, सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बाबू ये सबका मास कम होने के कारण, साइज छोटा होने के कारण पता नहीं चल पाता है ना वो, पता नहीं चल पाता है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या करे बाबू, यहाँ पे क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ये इधर आएगा और यहाँ पे ये क्या लगेगा? इधर आएगा, ये बोल जाएगा। हाँ बाबू, धरती भी बाबू, अरे वो तो देखो बाबू क्या है, जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है ना बाबू, हम लोग के साइज रिस्पेक्ट में मास क्या बहुत ज्यादा है ना। तो अर्थ बाबू, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसको आप फील कर पा रहे हो कैसे सर? यहाँ से इसको छोड़ दो, देखो अर्थ क्या करेगा, खींच लिया। लेकिन बाबू दो को बॉल रखो बाबू स्पेस में, कहीं पे दो को बॉल रखा टेबल पर, देखो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करता? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन बेचारा बहुत कमजोर है ना, जो आपको फील नहीं हो पाता ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या बहुत कम है ना। तो यहाँ पे बाबू जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। सारा ऑब्जेक्ट बाबू, सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना बाबू। सर ये पिक्चर शो भी करना है? हाँ मेरे लाल, ये डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड डिफिनेशन आप लोग का क्या किया गया बाबू, है ना, बुक में क्या किया? वो द फोर्स बाबू ग्रेविटी वाला डिफाइन कर देते हैं, द फोर्स बाबू विथ विच, या इसी को और करके लिखेंगे है ना बाबू, और करके द फोर्स बाबू वाटर भी अट्रैक्ट होता है। हाँ बाबू, द फोर्स बाबू विथ विच, विथ विच बाबू द अर्थ, लिखें हाँ बाबू द अर्थ बाबू पुल्स, पुल्स मतलब क्या होता है? खींचना। द फोर्स बाबू विथ विच अर्थ बाबू, किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से बाबू अपनी ओर खींच रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो आप लोग यही पढ़ो, द फोर्स बाबू विथ विच बाबू द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स इट, द फोर्स बाबू विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट बाबू, अपनी ओर जो खींच रहा है इज कॉल्ड बाबू, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका सर? अर्थ खींच रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू? आकांक्षा है, स्वाति है, मन से पढ़िए कछुआ बाबू। स्वाति खाली डोलते रहते बैठ के चेयर पे, लिखिए जल्दी से। स्वाति शर्मा जी हैं, शालिनी भी है, अभिनव है, सम्यक है, हर्षिता है ना, नारायण, मोहित, लक्ष्मी कहाँ है बाबू? लक्ष्मी, लक्ष्मी भी है, चलो ठीक है लक्ष्मी। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर? मान लो बाबू नीचे आपका क्या है सर? अर्थ है। ये क्या हो गया बाबू? अर्थ हो गया। अर्थ का शेप कैसा है कौन बताएगा? अर्थ का शेप कैसा है? कैसा शेप का अर्थ होता है? नहीं स्फेरिकल है पर परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। हाँ उसको जियोइड शेप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जियोइड शेप कहते हैं ना। ठीक है बाबू, ये आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया। सर हम लोग कह सकते हैं कि वो सर परफेक्ट स्फीयर नहीं है।
हाँ बाबू आप लोग अपने लेवल पे कहिए। शर्मा जी सर का नंबर कैसे मिलेगा? शर्मा जी हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं आपका सर बाबू। हाँ सर बोलिए सर, प्लीज सर जी का नाम, फिल्टर हाँ सर जी का नंबर कैसे मिलेगा बाबू? देखते हैं थोड़ा सा, एक आध दो दिन पढ़वा के कैसा पढ़ाते हैं, है ना बाबू? है सर। फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं फिजिक्स नहीं पढ़ाना बाबू, इंग्लिश पढ़ाना है, और बाद में बाबू का जैसा रहेगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाना है। सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। फिजिक्स का पढ़वाएंगे बाबू। ये क्या बाबू? आपका एप्पल है। क्या बाबू? एप्पल है। ठीक, तो एप्पल बाबू को क्या करा, अर्थ क्या करा, नीचे की ओर एप्पल को खींच रहा बाबू, है ना बाबू? एप्पल को क्या करा बाबू, एप्पल को क्या कर रहा, अर्थ नीचे की ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, है ना? तो जिस फोर्स से बाबू, जिस फोर्स से बाबू, जिस फोर्स से बाबू बेचारा एप्पल नीचे गिर रहा है बाबू, मेरे एप्पल नीचे गिर रहा है ना, ठीक बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो देखो एप्पल को अर्थ खींच रहा है, अब लिखो लिखो फिर समझाते हैं, और एप्पल भी बाबू, एप्पल भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है, अर्थ एप्पल को इधर खींच रहा है और एप्पल भी अर्थ को ऊपर की ओर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, लेकिन जिसके पास ज्यादा शक्ति हो वो खींचा जाएगा। मान लो स्वाति है, स्वाति के पापा जी हैं, दोनों रस्सी पकड़ लीजिए स्वाति, आप खींचा खींची कीजिए तो बाबू आप इसी तरह से हवा में उड़ जाओगी, समझे स्वाति? सर मेरी बहन स्वाति को खींच लेती है। सर अच्छा आपकी बहन ही खींच रहती, वो हाई है क्या बाबू, हवा में आ जाती। नेक्स्ट बाबू, मेरी स्वाति को ऐसे कीजिएगा। तो यहाँ जिस फोर्स से बाबू खींच रहा है, जिस फोर्स से बाबू खींच रहा है, इसको डॉटेड से इंडिकेट कर रहा है ना, यही बाबू क्या बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही क्या बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इसी को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, या ग्रेविटी कहते हैं, या ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहते हैं, सिंपली ग्रेविटी लिखो, लिखे बाबू। अब इसमें कंसेप्ट है बाबू, कुछ कुछ कंसेप्ट है इसमें, फॉर्मूला वगैरह है, कुछ कुछ कंसेप्ट है ना, हम लोग उसको पढ़ेंगे। समझ में आ रहा बाबू स्वाति? थोड़ा सर, ये भी लंबा टॉपिक है। नहीं, मोशन की तरह नहीं, ये फोर्स प्रेशर सर, की आपका तरह बाबू। पूरा बोर्ड ब्लर दिख रहा है सर। चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया। मोबाइल से मोबाइल लाना पड़ेगा बाबू, पैसा हो नहीं रहा, क्या करे बाबू, एक मोबाइल लेना जरूरी हो गया, ये वो मोबाइल तो सर ट्राइपोडे पूरा में है, क्लियर। एक मोबाइल ट्राइपोडे पे लगा रहता है बाबू, और कभी कभी ये हो जाता है गरम, तो चेंज करना पड़ेगा, दो मोबाइल रहना बहुत जरूरी है। लिखो लिखो जल्दी से लिखे। सर तो एक एप्पल का ले लीजिए सर। अरे मेरे लाल, अभी क्यों जले पे नमक छिड़क रही बाबू शर्मा जी, अभी तो पहुँ, अभी आप सेंचुरी पूरे नहीं हो शर्मा जी, टारगेट भी अचीव नहीं हो पाया बाबू, जल्दी से कीजिए, सोचे थे बाबू आप लोग टारगेट अचीव करोगे, चलिए हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तेज बनो ना, सारा हम लोग अचीव कर लें। जल्दी लिखो इसको, पहले सेंचुरी, उसके बाद 1000, है ना, पहले 100 का पूरेगा तो 100 से 200 होने में टाइम लगता नहीं है, फिर 200 से 400 होने में नहीं टाइम लगेगा, और उसके बाद तो बाबू फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा सारा। जल्दी लिखिए, आने वाला समय में वो ऑनलाइन का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कितना धूप लगता है, एजुकेशन सिस्टम पूरा क्रैश हो रहा है, स्कूल में जाके बच्चे पीछे में क्या पढ़ते हैं, ये कोई भी स्कूल का उठाइए, 50 गो में से 50 गो का बैच रहता है वो, है ना, उसमें से मुश्किल से 5 गो पढ़ने वाला रहता है, बाकी सब बस्ता ये बैग ढोने वाले होते हैं, न टीचर ध्यान देते हैं, न पेरेंट्स ध्यान देते हैं, खाली स्कूल। मत कीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा जल्दी लिखे शुरू किए, नेक्स्ट वो कंसेप्ट, जल्दी लिखो बाबू जल्दी लिखो, बहुत पढ़ना है बाबू, क्यों नहीं बात सर, इरेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ मेरे लाल, बाह मेरे लाल, आप लोग को पिटना भी है शैतान, कहाँ कहाँ फेर किया है सब। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक दो क्लास चलेगा और ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन सा है बाबू, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह है। तो सर अभी आप खरीद लीजिए। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट बाबू, देखो पहला कंसेप्ट क्या कहता है बाबू, पहला कंसेप्ट क्या कहता, यूनिवर्स में बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, हम रहे, आप रहे, आपके पापा जी रहे, है ना,
सारा ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। जैसे ये दो मार्कर हो गया, तो ये मार्कर ये दोनों को, जैसे ये कौन हो गया बाबू, चलो ये ब्लैक है ना, ब्लैक ब्लैक है, रेड रेड है ना, तो ये दो मार्कर है। तो रेड वाला बाबू क्या कर रहा, ब्लैक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा, ब्लैक वाला रेड को क्या कर रहा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा। इनवर्स में वो सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। तो जिस फोर्स से जिस फोर्स से बाबू अट्रैक्ट, अरे सिद्धांत, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं ना। तो जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारा अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए नहीं देख पाते बाबू, जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है, जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है। लेकिन सच्चाई है वो सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा। बोलो बाबू अनुज, ठीक ठीक है। ये कौन बोला, ये बात कौन बोला, हमें बोले नहीं, अभी जो बात बोले हम बोले नहीं बाबू, हम नहीं बोले थे, न्यूटन बोला था, न्यूटन बोला था, कौन बोला था, वो न्यूटन बोला था। न्यूटन ने यही कहा था बाबू कि सारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है ना बाबू, अट्रैक्ट कर रहा। किस फोर्स से अट्रैक्ट करा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करा। तो इसीलिए इसी को लिखेंगे है ना बाबू। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबू, न्यूटन ने क्या कहा था बाबू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन है ना बाबू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये स्टेटमेंट कौन बोला, न्यूटन बोला, और उसने अपना किताब में लिख दिया, उसी को आपको हम पढ़ा रहे हैं बाबू है ना, सारा टीचर वही पढ़ा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबू है ना, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स बाबू, हम लोग उतना ही सिलेबस कवर करेंगे बाबू जितना तक आप लोग का क्लास 8 तक कन्फाइन किया गया है ना। इसको डिटेल से पढ़ना, तो इसका एक चैप्टर है बाबू क्लास 9 में है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग बाबू उतना ही कन्फाइन करेंगे जितना से हम लोग आप लोग का क्लास 8 तक कवर हो जाए है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हाँ लिखिए लिखिए बाबू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबू, इन दिस यूनिवर्स बाबू, इन दिस यूनिवर्स बाबू, एवरी ऑब्जेक्ट, जिसको डिटेल से पढ़ना है सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो, इन दिस यूनिवर्स बाबू एवरी ऑब्जेक्ट, सर गैलेक्सी भी लगाता है सर, हाँ बाबू सारा प्लैनेट है बाबू है ना, सारा प्लैनेट बाबू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सारे प्लैनेट, इन दिस यूनिवर्स बाबू एवरी ऑब्जेक्ट बाबू, एवरी ऑब्जेक्ट बाबू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट बाबू एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट बाबू अट्रैक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा, एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एवरी अदर ऑब्जेक्ट। बी थे बाबू, बी थे बाबू सर्टेन फोर्स, हर एक ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को क्या कर रहा, एक सर्टेन फोर्स से, मतलब एक निश्चित वैल्यू से, भले वो वैल्यू जीरो क्यों नहीं हो, बी थे सर्टेन फोर्स बाबू, इसी फोर्स को क्या कहा गया, कहा गया दिस फोर्स बाबू इज कॉल्ड, फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ठीक है सर, छुट्टी छुट्टी खाली मरते रहता, कितना टाइम हुआ बाबू सर, हाँ बाबू बोलिए सर, रिपेल नहीं करता है कोई, नहीं बाबू इसमें बाबू हमेशा ध्यान देना, हमेशा बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन होगा, हमेशा अट्रैक्शन की बात होगा, बाकी विशेष जानकारी के लिए सुबह आता है बाबू, समय टेंशन क्या, ये सब को बाबू ज्यादा पढ़ेंगे तो रोना धोना शुरू हो जाएगा सर, क्या बाबू इसी ग्रेविटेशनल मैग्नेट सर अट्रैक्ट में होगा एक दूसरे, अरे तो मैग्नेट दूसर चीज होगा, मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी में बाबू हमेशा अट्रैक्शन की बात करेंगे, रिपल्सन की बात हम लोग नहीं करते हैं, रिपल्सन की बात नहीं करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट होता है, यही तो खूबी है बाबू है ना शैतान। चलिए इंग्लिश उंग्लिश का भी जुगाड़ किया जाए बाबू जल्दी से, सप्ताह में 3 दिन टाइमिंग देखते हैं बाबू, ज्योमेट्री बनाइएगा सर, ज्योमेट्री बाबू पहले पॉलिनोमियल मॉर्निंग में खत्म होगा तब ना ज्योमेट्री पढ़ाएंगे शैतान है, वैसे थोड़ी हम लोग पढ़ते बाबू कि स्कूल की तरह थोड़ी, एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ सर दूसरा में हाथ लगा दिए, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा में हाथ लगा दिए, तीसरा नहीं खत्म हुआ चौथा में, इस तरह से बाबू बच्चे का कुछ होनी जिंदगी में खत्म होता है, उसी तरह हम लोग जो भी चैप्टर ओपन करेंगे उसको पूरी तरह से क्लोज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव करते हैं। छोटी बड़ी चलिए कछुआ बाबू, स्कूल इसका एक ओपन हो रहा है, तो टाइम चेंज नहीं हुआ स्वाति,
स्कूल का टाइम।